हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना से लड़ना है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है अपडेट के लिए। कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट की है उसके तहत कई स्टेट में, करीब 17 स्टेट में कार्य शुरू भी हो चुका है, जहां पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे पेशेंट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो, और हमारे देश में देशव्याप्त सब जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरिएंट कर पाएं कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो। उसके लिए एम्स दिल्ली के साथ मिलके अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और केस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरिएंटेशन उसके द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, जो हमारा निमहांस, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस है, उसके द्वारा भी बिहेवियरल मॉड्यूल्स को, बिहेवियरल हेल्थ मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग हम देश लेवल पर शुरू कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं जैसे कि आशा, ANMs और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि कटिंग एज लेवल पर देश में काम करते हैं, उनको भी ओरिएंट करने के लिए कोविड के बारे में हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, कम्युनिटी सर्वेलेंस और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट द कम्युनिटी लेवल, उसके बारे में भी नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हुए, इसके साथ ही स्टेट लेवल ट्रेनिंग और आने वाले कुछ दिनों में देश के हर ANM, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को भी कोविड 19 के बारे में ओरिएंट करते हुए, ताकि बिल्कुल लास्ट स्थाई पर भी हम कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकें, उसको ओरिएंट कर सकें, ये एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है। मुख्यतः हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने लास्ट एंड के हेल्थ वर्कर तक पहुंचते हुए उसके द्वारा अपनी सर्विसेज देश के हर नागरिक को पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कंट्री फुली गियर्ड अप है। ये चैलेंज बहुत बड़ा है, इस चैलेंज को हमें सबको कलेक्टिवली मिलकर लेना है और इसमें सबका सपोर्ट क्रूशियल है। कोई भी एक नागरिक अगर वो एक गलती करता है इन्फेक्शन डिजीज मैनेजमेंट में, तो उसका इफेक्ट उसके आसपास के लोगों को, उसकी फैमिली को, समाज को, सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं अपील करूंगा कि हर एक नागरिक इसमें हमें अपना सहयोग दे, ताकि मिलकर हम इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद। मैं गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करें। जैसा कि मैंने कल भी कहा, गृह मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह चेष्टा कर रही है कि इस लॉकडाउन पीरियड में एनफोर्समेंट के साथ साथ आपको एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में कोई कमी ना महसूस हो। स्वास्थ्य सेवाएं एवं एसेंशियल सप्लाईज, सर्विसेज और कमोडिटीज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ कदम तो बहुत ही इनोवेटिव हैं। और भारत सरकार अपनी ओर से 24/7 बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज की स्थिति को मॉनिटर कर रही है। MHA के कंट्रोल रूम में MHA के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रेलवेज, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर्स भी 24/7 मौजूद हैं, जो निरंतर समस्याओं का निदान कर रहे हैं। लगभग सभी स्टेट्स और यूटीज ने अपनी हेल्पलाइंस नोटिफाई कर दी हैं, और जैसा बीच में कुछ इंटरस्टेट कार्गो की समस्या आई थी, अब इंटरस्टेट कार्गो जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर हेल्ड अप था वो भी काफी क्लियर हो गया है। नॉर्थ ईस्ट और जो अन्य रिमोट एरियाज है जहां पे मेडिकल सप्लाईज इत्यादि एयर के थ्रू जाती हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में जाती हैं, वहां मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कार्गो मूवमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रही है, वो डेडिकेटेड चार्टर्स करने के लिए भी व्यवस्था कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमने स्टेट्स और यूटीज को स्पेशली रिक्वेस्ट किया है, और राज्य सरकारें बल्कि काफी एफर्ट्स कर रही हैं कि जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए शेल्टर और फूड की व्यवस्था हो। सभी लेवल्स पर हम बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो जहां है उसका वहीं पर सुरक्षित रूप से रहना उचित होगा। स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स में सुरक्षित रूप में रखें। हमने ये भी सेंसिटाइज किया है कि जो मेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।
आशा है कि ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इंश्योर करेंगे कि लॉकडाउन पीरियड में एसेंशियल गुड्स की सप्लाई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी समस्या ना आए। धन्यवाद फ्रेंड्स, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को अडॉप्ट आप लोगों ने किया है अपने हॉल में भी, और बहुत सारे मीडिया पर्सन ने जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन पूछने का भी काम किया है, उस सबके लिए आप सबका धन्यवाद। वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम 14। लव सर, सबसे पहला मेरा सवाल वो अमिताभ बच्चन के ट्वीट को लेकर के है जिसमें कहा गया है कि मक्खियों के जरिए भी COVID-19 फैल सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है इसमें? सर, मैंने ये ट्वीट नहीं देखा है क्योंकि शायद मैं पूरे टाइम बाकी प्रिपरेशन में रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा कोई ट्वीट है तो टेक्निकली मैं आपको बता सकता हूं ये इन्फेक्शियस डिजीज है, मक्खियों के थ्रू नहीं फैलती है। मैं एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेता हूं। व्हाट इज द असेसमेंट ऑन द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव केसेस इन इंडिया ओवर द लास्ट 4-5 डेज? सो दैट इज पार्शली कवर्ड ऑलरेडी, बट सो एज आई हाईलाइटेड वी आर सीइंग ए लार्जर नंबर ऑफ केसेस गेटिंग रिपोर्टेड, बट इफ यू सी दो द ट्रेंड इज नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड, बट पैरेलली वी आर रियलाइजिंग दैट द रेट एट विच केसेज आर इंक्रीजिंग वी आर सीइंग इन टर्म्स ऑफ रिलेटिवली स्टेबल ट्रेंड और ए लिटिल बिट रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ केसेज। दिस हाउवर डज नॉट एस्टैब्लिश ए क्लियर ट्रेंड। वी आर होपफुल दैट विद इफेक्टिव सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स विच वी आर डूइंग, पैरेलली आर एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ proper treatment of cases which have been found, proper contact tracing of all the positive cases which have been found, and parallelly ensuring that all people who are under home quarantine or surveillance being monitored properly, we should be able to ensure that this trend continues. 38 DD News se hu, mera sawal home ministry se hai कि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अगर कई राज्यों में देखा जाए जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लोग एक साथ कई मार्केट में इकट्ठे हैं, क्या लगता है कि राज्य जागरूक करने में एक तरह से पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं लोगों को कि वो पूरी तरीके से जागरूक हों? आज की जो बैठक हुई कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी की सारी चीफ सेक्रेटरीज के साथ, उसमें यही बात हुई कि लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए सोशल डिस्टेंसिंग की ओर, प्लस लोगों में वो पैनिक ना क्रिएट हो कि एसेंशियल सर्विसेज या गुड्स उनको नहीं मिलेंगी, इसीलिए वो जा करके क्राउड राउंड ना करें शॉप्स में, इसके बारे में भी जागरूकता फैलाएं। कुछ कुछ यूटीज और स्टेट्स इनोवेटिव मेजर्स के साथ भी आ रहे हैं कि कैसे वो होम डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकें, उस पर भी चर्चा हुई, और स्टेट्स जो हैं वो विभिन्न प्रावधानों के नीचे वायलेशंस को बुक भी कर रही हैं, तो मतलब वो एनफोर्समेंट मेजर्स भी कर रही हैं, जहां जरूरत पड़ रही है वो अरेस्ट भी कर रही है। अभी आप स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बड़ी बात यह कही गई है कि मक्खियों से कोरोना नहीं फैलता है, इस तरीके की बात कही जा रही थी कि मक्खियों से भी कोरोना फैलने का डर, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है मक्खियों से कोरोना नहीं फैलता है, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।